राजधानी देहरादून में पलटन बाजार में शादी की पगड़ी बांधने को लेकर दुकानदार और खरीददार के बीच आपसी विवाद काफी गहरा गया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पलटन बाजार में मामूली विवाद में कुछ युवकों ने हमला कर 3 व्यापारियों को घायल कर दिया। बाजार में दिन दहाड़े हुए इस घटना से अफरा तफरी मच गई। यह विवाद पगड़ी खरीदने में मोल भाव को लेकर हुआ था। अब इसी को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कल पलटन बाजार में दुकानदार और ग्राहक के बीच पगड़ी खरीदने को लेकर उपजे विवाद के बाद स्थिति गंभीर हो गई थी, लेकिन मौके पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। उन्होंने कहा कि जहां तक बात तलवार की सामने आ रही है, वह तलवार खिलौने वाली थी। इसके आगे उन्होंने किसी बड़ी घटना से इनकार किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इससे पलटन बाजार में जो है व्यापारी है उनके वहां पर जो है कुछ लोग आए वहां पर पगड़ी बनाने को लेकर वाद विवाद हुआ, क्योंकि पगड़ी बांधने का रेट जो बच्चे वहां मांग रहे थे वो 200 रुपए दे रहे थे जो लोग आए थे उनसे, और वो 500 रुपए बता रहे थे रेट को लेकर वहां पर कुछ बहस नहीं हुई। उसके बाद अन्य उसमें 7-8 लड़के वहां पर इकट्ठा हुए और जब वहां पर व्यापारियों और दुकानदारों के बीच अन्य लोग थे वहां पर उनको डाटा डपटा गया, अपने आप को गिरा देख करके कहीं पिटाई ना हो जाए, क्योंकि उनके द्वारा पहले इस तरह 7-10 लड़कों के माध्यम से इकट्ठा होकर वहां झगड़ा किया जा रहा था। पास पास की दुकान पे जहाँ चाकू थोड़ी धार कराने की दुकान थी वहां से उन्होंने उठा लिया, वहां से तलवार टाइप की थी जो 3 दिन से धार नहीं थी, और इससे उन्होंने फिर वहां पर हमला किया जिससे 2 लोग को इसमें मुकदमा लिखने के बाद अरेस्ट किया गया। बाकी की तलाश से हमारी टीम लगी हुई उनको भी गिरफ्तार इसमें किया जाएगा।